हमें बात करिए अमदावादना जाणीता वस्त्रापुर तळावनी 28 ऑगस्ट सुधी वस्त्रापुर तळावनुं समारकाम करवानुं हतुं। नवेम्बर महीनो आवी गयो छतां कामगीरी अधूरी छे। अगाउ 27 फेब्रुआरीथी वस्त्रापुर लेक लोको माटे बंद करवामां आव्युं हतुं अने समारकाम शरू करवामां आव्युं हतुं, परंतु आज सुधी ते काम पूरुं थयुं नथी। टूंक समय में शियाळानी शुरुआत थशे अने लोको फूल गुलाबी ठंडी में मॉर्निंग वॉक माटे निकळशे। अने मॉर्निंग वॉक नी सौथी सारी जग्या होय तो ए छे आपणी नजीकना पार्क्स अने गार्डन। वस्त्रापुर लेक के छेल्ला केटलाय समयथी आनुं रिनोवेशन चालू छे, परंतु रिनोवेशननुं काम हजी सुधी पूर्ण नथी करवामां आव्युं। ऑगस्ट महिनामां जे रिनोवेशननुं काम छे ए पूर्ण थई जवुं जोईतुं हतुं, परंतु हजी सुधी आ जे काम छे ए कार्यरत ज छे, काम पूरुं नथी थयुं, जेना कारणे वस्त्रापुर आसपासना जे लोको छे के जेओ मॉर्निंग वॉक माटे अहीं आवता होय छे, छेल्ला केटलाय समयथी तेओ अहीं नथी आवी शकता। अने स्थिति अत्यारे आप जोई शको छो कि जे काम छे ए चाली रह्युं छे। फेब्रुआरी महिनामां जे वस्त्रापुर लेक छे ए बंद करी देवामां आव्यो हतो जाहेर जनता माटे, कि जेथी तेना रिनोवेशननुं काम थई शके। અને ઓક્ટોબર મહિનામાં આજે કામ છે એ પૂરું કરી દેવાનું હતું। 6 મહિનામાં કામ પૂર્ણ કરવાની હતી, પરંતુ કોઈ જ કામ હજી સુધી થયું નથી। હજી પણ તેનું જે મોટાભાગનું કામ છે એ બાકી છે, અને ક્યારે વસ્ત્રાપુર લેક તૈયાર થશે એ સૌથી મોટો સવાલ છે। કેમેરામેન તુષાર શાહ સાથે સપના શર્મા, Z24 કલાક, અમદાવાદ। અસ્વચ્છ તળાવો અને ગાર્ડનમાં કચરાને કારણે લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે, અને સાંભળો લોકોનું શું કહેવું છે આ અંગે। मेंटेनेंस का थोड़ा इशू है, अभी तालाब का पानी भी थोड़ा गंदा है और पीछे कचरा भी काफ़ी जमा हो गया, और यहाँ पे क्लीनिंग भी रोज़ डेली नहीं होती है। ग्रास व्रास काफ़ी बड़े और आगे भी काफ़ी पुराना हो गया सब। यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे कचरे हैं, और यहाँ पे पानी भी सही नहीं है, मच्छर की दिक्कत आती है यहाँ पे बैठे तो, और यहाँ पे क्लीनिंग उतनी नहीं है और मैनेजमेंट थोड़ा नहीं है यहाँ पे। તો આ સ્માર્ટ સિટી કહેવાતા અમદાવાદના તળાવોની સ્થિતિ છે। લોકોની સુવિધા માટે જે પ્રોજેક્ટ પાલિકા હાથમાં લે છે તેનું ધ્યાન રાખે અને જાળવણી કરે એ પણ એટલું જ જરૂરી છે।